नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप SIPF के नए पोर्टल से अपना मार्च में जो अधिघोषणा पत्र या प्रथम घोषणा पत्र भरते हैं वो कैसे भरेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कर्मचारी की SSO ID में लॉगिन करेंगे। कैप्चा कोड इंसर्ट कर लॉगिन बटन को दबाएंगे। जैसे ही डैशबोर्ड खुलेगा, उस पर आपको SIPF के नए वाले पोर्टल के आइकन पर क्लिक करना है। आवश्यक सूचना को क्लोज कर देंगे। फिर आपको राइट हैंड साइड में जो SI का टैब दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। उसके पश्चात स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सॉरी, यहाँ आपको 6 टैब दिखाई देंगे। इन 6 टैब में से आपको डिक्लेरेशन का टैब सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप डिक्लेरेशन का टैब सेलेक्ट करेंगे तो कर्मचारी जिसका कि आप प्रथम घोषणा पत्र या अधिघोषणा पत्र भर रहे हैं उसका डिटेल यहां पर आपको प्रदर्शित हो जाएगा। उस डिटेल को आप चेक कर लें। यदि सही नहीं है तो इसके संशोधन की क्या प्रक्रिया है, इसका मैंने पृथक से वीडियो बना रखा है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद नॉमिनी डिटेल आएगी। नॉमिनी डिटेल में आप शेयर को चेक कर लें। जैसे मैं इस केस के अंदर वाइफ को 100% दे रखा है, और यहाँ से आप पेंसिल के बटन को दबाकर इसको आप एडिट कर सकते हैं। और जैसे सबमिट का बटन दबाएंगे, शेयर अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। फिर नीचे आपको पूर्व में कोई बीमारियाँ रही हैं उसके बारे में पूछ रहा है। यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो उसके लिए यस का चयन करें, अन्यथा नो का चयन करें। और उन बीमारियों के आधार पर आपने कब कब छुट्टी ली उसकी समय सीमा इसमें दर्शानी है, किस तिथि से किस तिथि तक आप अवकाश में रहे। और यदि आपने नो का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको फर्दर डिक्लेरेशन के केस में यहाँ पर आपको बेसिक दिखाई देगी, करंट प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आपको वर्तमान में यदि आप 5,000 कटवा रहे हैं और यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रहा है 3,000 आ रहा है, तो आप फर्दर नहीं भर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले SI ऑफिस से संपर्क करके अपना पुराना वाला फर्दर अपडेट करवाना होगा, तभी आप ये भर पाएंगे। फिर जैसे प्रपोज प्रीमियम को सिलेक्ट करेंगे तो वर्तमान में कार्मिक का 5,000 कट रहा है, तो नेक्स्ट प्रीमियम है इसका 7,000। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। और ये रिस्क ऑफ ईयर 2022, और इसमें कर्मचारी का अगला बर्थ डेट आ रहा है। और सबमिट विथ आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ राइट का निशान आ जाएगा और सबमिट विथ आधार क्लिक करेंगे तो कर्मचारी के आधार से OTP आएगा। उस OTP को यहाँ डालना है। OTP को डालने के पश्चात ये अपने आप सबमिट हो जाएगा। पहले ये SI का फर्दर या प्रथम घोषणा पत्र DDO के लॉगिन पे जाता था, अब ये DDO के लॉगिन पे न जाकर सीधे SIPF के ऑफिस में जाता है। अतः इसे सावधानी से भरें। योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली विथ एम्प्लॉयर नंबर ये।
यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकाल कर अपने DDO को दे दें। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया SIPF के फर्दर और प्रथम घोषणा पत्र भरने की। समझता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।